The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, satsrikal, दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. आज दोस्तों हम बात करेंगे आपके मान लीजिए रेक्टल ब्लीडिंग के बारे में मान लीजिए कि आप बाथरूम जाते हैं. और बाथरूम में जाते वक्त आपने देखा कि आपने जो कार्य किया है उसमें खून आ रहा है मान लीजिए अगर छोटा अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है जो कि मान लीजिए रेड रेड कलर का आपको स्ट्रीक दिख रहा है जो हो सकता है आपके जो लैटरिन के आपके कमोड है कमोड में ऐसा स्ट्रीक आ रहा है आपने भाई ये क्या हो गया ये तो खून निकल गया इतना ताकत नहीं लगाना चाहिए या तो फिर आपका लग रहा है कि भाई कहीं टॉयलेट पेपर चेक किया टॉयलेट पेपर पे ब्लड आ रहा है या तो आपके स्टूल्स में आपके फीसिस में मिक्स्ड ब्लड आ रहा है तो इस सब तीनों का मतलब है तीनों का मतलब है आपको रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है याद रखिएगा कमोड में दिख रहा हो टिश्यू पेपर में दिख रहा हो या फिर मोशंस में मिक्स्ड आ रहा है या उसके ऊपर लगा हुआ आ रहा है अब देर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक स्टूल्स ब्लैक स्टूल्स इज नॉट रेक्टल ब्लीडिंग ब्लैक स्टूल्स मतलब ब्लीडिंग ऊपर कहीं हो रही है ऊपर से ब्लीडिंग होकर जब वो छः मीटर आठ में खून आपके स्टूल्स के साथ मिक्स हो हो के आता है तो वो ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक स्टूल्स बना देता है तब जेट ब्लैक स्टूल्स आएंगे पूरे बढ़िया एकदम ऐसा डाम्बर टाइप्स काले रंग के स्टूल्स आएंगे दैट so अगर ब्लैक स्टूल्स हैं उसको कहते हैं मलिना मलिना इज अ मेडिकल टर्म मलिना मतलब अपर जी आई ब्लीडिंग्रेश रेड ब्लड इज लोअर जी आई ब्लीडिंग सो यहां पर हम बात कर रहे हैं लोअर जी आई ब्लीडिंग लोअर जी आई मतलब लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग और लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में आपका रेक्टम है आपका Uh, उसके आगे uh, एनस है वहाँ पर रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है एनल फिशर्स हो सकते हैं दैट कैन बी पाइल्स हिमोरॉइड्स ये सारे की चीज़ों की हम बातचीत करेंगे कि और क्या क्या हो सकता है सो so, यहाँ पर ये कंसर्निंग बात है आपको करना क्या है आपको ये करना है कि ये तो साइन आपका मिल गया ये तीनों में से इसके अलावा रेड ब्लड मतलब कहीं ना कहीं फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है डार्क रेड या फिर क्लॉटेड ब्लड का मतलब हो सकता है कि कोलोन के अंदर ट्रांसफर्थ कोलोन सिग्मोइडल कोलोन वहाँ ब्लीडिंग हो रही है या हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी आखिरी पार्ट में सिकम में ब्लीडिंग हो रही है सो so, ऐसे केस में आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स uh, डिजीज भी हो सकता है सो so, इससे थोड़ा सा आइडिया मिलता है और याद रखिए मैंने ऑलरेडी बताया है ब्लैक टारी स्टूल्स मतलब अपर जीआई ब्लीड सो दूसरी चीज़ों का आपको थोड़ा सा तुरंत असेसमेंट कर लेना है जो सेकेंड असेसमेंट है तुरंत वो है कहीं आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही क्योंकि तो थोड़ी सी ब्लीडिंग एक्सटर्नल ऐसा भी जरूरी नहीं है कि लोअर जी आई ब्लीड है तो अपर जी आई साथ में नहीं हो सकती दोनों जगह ब्लीडिंग हो सकती ठीक है तो कई बार इंटरनल ब्लीडिंग होती बाहर से पता ही नहीं चल रहा सो ऐसा कुछ होगा ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो देर कैन बी डिजीनेस कन्फ्यूजन फेंटिंग राइट ऐसी ज़्यादा दिक्कतें कन्फ्यू हो सकता है पेट में दर्द या क्रैम्प्स हो सकते हैं ऐसी कोई चीज हो तो आप तुरंत अस्पताल जाएँ भर्ती हो जाए या फिर अल्ट्रासाउंड करा के पता करें कि भाई क्या इशू हो रहा है फिर से बता रहे हैं कारण क्या क्या है सबसे कॉमन कारण है रेक्टल ए, एनल फिशर्स एनस यानी कि आपके लैटिन के बाहरी गोल के आसपास में क्रैक्स हो जाना जैसे पैरों में आपके क्रैक्स हो जाते हैं हील्स में वैसी एनल क्रैक्स हो जाते हैं जो अंदर तक रेक्टम तक भी अंदर तक जा सकते हैं सो एनल फिशर्स सेकेंड ब्लीडिंग ए सेकेंड कॉरन इज कॉन्स्टिपेशन वेरी वेरी हार्ड स्टूल्स ड्राई स्टूल ड्राई हार्ड स्टूल्स लिटरली ऐसे पत्थर के जैसे निकलते हैं खुरुए खुरे देते हुए तीसरा रीजन है आपका हीमोरोइड यानी कि पाइल्स यानी कि सूजी हुई खून की नसें जो एनस के या लेडेक्टम के आसपास होती हैं पीछे वो उसको भी हार्ड स्टूल्स लग के जाएंगे तो उसकी भी ब्लीडिंग घर्षण से सूजन सूजन से ब्लीडिंग होती है चौथा कारण है पॉलिप्स पॉलिप हो सकते हैं स्मॉल छोटे छोटे टिश्यू के ग्रोथ जो कि रेक्टम के अंदर आ सकते हैं और वो भी ब्लीडिंग कर सकते हैं कि उसमें भी घर्षण होती है सूजन होती है दिक्कत कर सकती है ये सारे सबसे कॉमन कारण है और रेयर कारण है रेयर कारण जो है सूर्य सीरियस है लेकिन रेयर है रेयर मतलब चांसेस कम है लेकिन है तो बहुत सीरियस हो जाएगा उसमें आता है कोलोन कैंसर रेक्टल कैंसर इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज आई जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ हमने ऑलरेडी बताया क्योंकि उसमें थोड़ा सा डार्किश कलर का क्लॉटेड टाइप ब्लड आएगा सेमी क्लॉटेड ब्लड फोर्थ रीजन और उसके अलावा बचता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि जैसे कि सालमोनेला टाइफी टाइफॉइड या ना टाइफॉइड डायरिया डिसेंट्री ऐसी चीज़ों में उसके से थोड़ा कम कॉमन बहुत कम कॉमन होता है लिवर डिसफंक्शन ब्लीडिंग क्लॉटिंग डिजॉर्डर एलर्जिक रिएक्शंस इनमें भी कभी कभार ब्लीडिंग हो सकती है तो आपको क्या करना है अगर आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन साइन कोल्ड क्लाइमी स्किन ऐसा लग रहा है रैपिड ब्रीदिंग हो रही है सिवियर उल्टियां आ रही है जवान सफेद पड़ रही है शरीर सफेद पड़ रहा है तुरंत तो अस्पताल जाइए हो सकता है आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है डॉक्टर क्या करेगा डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा आपका एग्जामिनेशन करेगा हो सकता है वो नीचे से रेक्टल एग्जामिनेशन करे हो सकता है वो नीचे और उसके अलावा वो अल्ट्रासाउंड करे हो सकता है वहाँ प्रोक्टोस्कोपी करे नीचे से एक इंस्ट्रूमेंट डाल के खोल के देखा जाता है कि अंदर क्या दिख रहा है हो सकता है कुछ नहीं तो सीधा सीधा एंडोस्कोप डाल के नीचे से कोलोनोस्कोपी जैसी चीज़ एंडोस्कोप करके देखें उससे अंदर तक देखा जा सकता है कि क्या बीमारी है क्या नहीं अंदर तक सिग्मोइडोस्कोपी या एंडोस्कोलोनोस्कोपी उसको कहते हैं इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट करके देखेंगे सी बी सी ई एस आर एच एस सी आर पी कोई और ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए हम टेस्ट देखते हैं कोएगुलेशन प्रोफाइल लिवर फंक्शन कहाँ प्रॉब्लम है उससे समझ में आता है उसकी के सारी चीज़ों को मिला जुला के आपका एक डायग्नोसिस बनता है कि भैया आपके अंदर ये प्रॉब्लम है इसी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है और इसके लिए आप ये ट्रीटमेंट करें ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा आपके कॉज पे और सीवियरिटी पे किंचुम किंचुम बहुत ही छोटा ब्लीडिंग है तो कछाऊ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है पानी पीना है खूब सारा थोड़ा फाइबर लेना है मोशन सॉफ्ट करने हैं एंड बी फाइन ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स भी आती हैं एनोवेट क्रीम या एनोरेक्टल क्रीम जो कि लगाने से वहाँ पे सूजन उजन है तो वो शांत हो जाती है बढ़िया ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर दिक्कत कुछ ज्यादा है और दिक्कत ज्यादा है मान लीजिए हिमोरॉइड आपके बड़े हो गए हिमोराइड हो तो बवासिर बड़ा हो गया ग्रेड थ्री ग्रेड फोर प्रोलेप्स हो गया तब फिर उसमें कोई ना कोई इंजेक्शन इन, इन, या ट्रीटमेंट या बैंडिंग या सर्जरी या स्टेपलर की जरूरत पड़ेगी वो हो गया पाइल्स यानी बवासीर का ट्रीटमेंट रबर बैंड लगा दिया जाता है या लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है या सर्जिकली उसको निकाल दिया जाता है बवासीर हो तो ये होगा बाबा के अलावा एनल फ़िशर्स हैं ज़्यादातर एनल फ़िशर ठीक हो जाते हैं खुद ब खुद लेकिन अगर आपके ठीक नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए भी दवाइयाँ और दवाइयाँ नहीं काम आई तो फिर ऑपरेशन का ऑप्शन लास्ट में दिया जाता है एनल फिशर के लिए कोलोन कैंसर जैसी कोई चीज़ हो तो एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी एंडोस्कोपी में फिर आपको गांठ दिखेगी उस गांठ का एक टुकड़ा ले कर की जाती है कि भैया ये गांठ किस चीज़ की है और उस चीज़ का फिर डायग्नोसिस होता है डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट उसके डायग्नोसिस के हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि आपकी बीमारी इतनी फैली है इतना स्टेज पर है इस स्टेज पर ऑपरेशन कीमोथेरेपी रेडिएशन या वट इज नीडेड वो बातचीत फिर कीमोथेरेपी या कीमो वाले डॉक्टर जो हैं जिनको ऑनकोलॉजिस्ट बोलते हैं या ऑनको है सर्जन बोलते हैं उनके पास जाके बातचीत होगी मगर हाल फिलहाल ये सारी बातें छलक आप घर पे क्या कर सकते हैं वॉट इज द होम ट्रीटमेंट होम ट्रीटमेंट ऑफ अ माइनर और अ मॉडरेट रेक्टल ब्लीडिंग नंबर वन इज़ अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स इतना पानी पीजिए इतना पानी पीजिए कि मोशन जो है पतला हो जाए बहुत ज़रूरी है आपको 12 गिलास पानी यानी साढ़े तीन चार लीटर खूब सारा पानी या लिक्विड लीजिए पानी नहीं ले जाता है तो नारियल पानी लीजिए छाछ लीजिए आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल जूसेस लीजिए इसके अलावा आप हाई फाइबर फूड्स खाइए हाई फाइबर फूड बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए रेगुलर थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करिए पंद्रह मिनट बीस मिनट मिनिमम और रेक्टल uh, एरिया जो अपना है उसको हाइजीन उसमें हाइजीन मेंटेन रखिए क्लैनलीनेस रखिए और पानी बहुत जरूरी है भैया पानी का बहुत नींद स्ट्रेस वेस अपना कम रखिए उतना भी करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है ठीक रहेगा इसके अलावा अगर कोई डाउट आ रहा है डॉक्टर से दवाई लेनी है तो हिचकिचाइए मत डॉक्टर से जाके मिलिए द बेस्ट डॉक्टर फॉर अ रेक्टर ब्लीडिंग द बेसिक डॉक्टर इज अ जनरल सर्जन द बेस्ट डॉक्टर विल बी अ गैस्ट्रो सर्जन सो इनके पास जाके आप बातचीत कर सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट इट आई होप यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो टू एवरीबडी पता नहीं किसको रेक्टल ब्लीड हो कोई बताएगा तो है नहीं आपको हैगी नहीं थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी